फ्रेंड्स कि रात के डिनर की तैयारी हो रही है और मैं तेल जीरा वो गरम करके जीरा डाल दी हूँ। जब वो चटकने लग गया है तो मैंने लहसुन हरी मिर्च और प्याज डाली है, वो भून जाएगा। आलू स्मैश करके रखा है मैंने और इसके बाद ये लहसुन और अदरक मैं डाल दूँगी। लहसुन प्याज एंड हरी मिर्च वो डाल दिया है और बस आज ये आलू पराठा बनाएंगे। हाँ, और इन दिनों कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी। आज सुबह से भी स्कूल जाना, फिर वेबिनार, फिर मीटिंग्स, फिर कुछ ना कुछ लगे ही रहा। लास्ट वीडियो जब हम जबलपुर गए थे बेटे को छोड़ने के लिए वो था। और फ्रेंड्स आज बेटा आ रहा है तो रात को 10:30 बजे ही दिल रीच और ये खाने की तैयारी हो रही है। तो ये आज रात का आलू पराठा और मैं इस वीडियो को कल सुबह भी कंटिन्यू करूँगी और फिर बने रहिए फ्रेंड्स। आई नीड योर सपोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नंबर्स में सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स। ये मैंने मिला दिया है आलू को इसमें और भुनने के बाद और ये अब पराठे में भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। सो दिस इज़ व्हाट, थोड़ा सा थोड़ी देर और रहने देती हूँ गैस पे और उसके बाद इसको उतार लेंगे। ये पहला पराठा जो जिसमें आलू मैंने थोड़ा ज़्यादा भर दी है लगता है और साइड से फट गया, तो अपने को केयरफुल रहना होगा फ्रेंड्स ये बनाते हुए। सो बट स्टिल इट इज़ गुड, बाहर तो नहीं निकला है। और दूसरा मैंने बेल के रखा हुआ है, बस ये पहला ही ऐसा हुआ। बाकी अब फटाफट सारे पराठे बना के खिलाती हूँ सबको। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये रात का समय है और बेटा आया है और लगेज उसके पास काफ़ी थी क्योंकि उसने रूम खाली किया है वहाँ और उसके सर्टिफिकेट्स एंड ऑल दैट वो सब लेके आया है। और देखिए पेड़ का कैसा शौक है उसको, वहाँ से भी वो प्लांट्स लेके आया है। और क्योंकि लगेज ज़्यादा था तो उसने बोला अब भी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑटो में आ जाऊँगा आप पूरे बैग्स लेके। तो गेट के पास ऑटो से सामान उतार के रखा है और धीरे धीरे ये लोग अंदर लेके आ रहे हैं और बैग्स हैं ना। और इतने दिन तो मैंने कोई वीडियोस भी नहीं बनाए लेकिन अब कोशिश करूँगी बनाने का और थोड़ा समय निकाल के करने का। आप देखते रहिएगा। और जो ये अराउंड 8:30 बज रहा था रात का और अगेन फिर बेटे का रिज़ल्ट आया था 7th सेमेस्टर का, तो उसने बहुत अच्छा किया था। तो हम लोगों ने सोचा बहुत बड़ी बड़ी चीज़ लाइफ में नहीं होता जिसके लिए सेलिब्रेट करें। सो बिकॉज़ वी आर टुगेदर और जो छोटी बड़ी चीज़ें जो भी होती है जो खुशी देता है एंड वी आर ऑल टुगेदर तो ये सेलिब्रेशन बनता है। सो वी जस्ट वेंट आउट फॉर डिनर और ये देखिए कितना खूबसूरत प्लेस। और यहाँ हम पहले भी आए हैं लेकिन अभी थोड़े दिन बाद आए हैं और नाम पे आपने देखा होगा। सो दिस वाज रियली इन्जॉयबल। एक्चुअली हम क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। द थिंग इज़ दैट यू गो आउट, क्योंकि अभी घर में रह रहे के और फिर थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स तो लेना ही होता है, वो लेते हैं। और ठीक है, ये अभिषेक जिसका रेस्टोरेंट है और ही इज़ माई स्टूडेंट, तो यहाँ आके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। और देखिए कितना खूबसूरत जगह, अगर आप भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। दिस इज़ जलसा, सो ब्यूटिफुल इट इज़ एंड द स्मॉल सेलिब्रेशन दैट वी डिड नाइस। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप कल रात वाली वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग बाहर थे डिनर के लिए, वो बेटे का 7th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया एंड इट वाज गुड, बहुत अच्छा था।
तो हम लोगों ने सोचा कि छोटी छोटी सेलिब्रेशन सी, अब लाइफ इतना अनसर्टेन हो गया है कि हर छोटे सेलिब्रेशंस करते रहो, खुश रहो, बस वही है। तो कल का वो था और आज सुबह चाय वाय हो गया है, मैं जस्ट अभी उठाई हूँ, अभी सुबह का नाश्ते का चल रहा है और ये पराठा और ये आलू की भुजिया। तो बेटा तो खा रहा है और आज मैं पूरा डीप क्लीनिंग करूँगी घर का, वो लगी हुई है उसमें। और अंशु वो नाश्ता बना रही है, तो पराठा और भुजिया ये अंशु का है एंड शी इज़ कुकिंग, सो ये, और इसके बाद चाय। तो चलिए मैं चलती हूँ अब रूम्स में, क्योंकि थोड़े दिन हो गया था और ब्लॉग इस बार बहुत लेट आ रहा है, क्योंकि जब से बेटा गया था तब से मैंने एक भी ब्लॉग नहीं बनाया इस चैनल के लिए। उमा टॉक्स में ज़रूर गया है बट उमाज़ लाइफस्टाइल में नहीं आया है, और अब वो आ गया है तो अब ब्लॉग्स भी आएंगे। और फ्रेंड्स डू लाइक एंड कमेंट, ताकि हमको एहसास हो कि आपको इंटरेस्ट रहता है देखने के लिए। सो डू कमेंट एंड लाइक शेयर एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, मुझे पता है करीब 50% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड यस। तो आज का वीडियो मैं यहाँ एंड करती हूँ और इसके बाद से मैं, ये तो पहले वाली वीडियो जो चल रही थी, और आज से मैं नया शुरू करूँगी। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स अभी मैंने बेडशीट वगैरह निकाला है, देखिए सब कुछ नीचे रखा है, और अब मैं इसको अरेंज करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। सो अभी आशु आया तो उसके भी बहुत सारे सामान एंड पूरा फैला हुआ है घर, तो मैं अरेंज करके आपको एक एक रूम दिखाती हूँ। यहाँ से इधर ड्राइंग रूम, दिस ऑल्सो आई एम गोइंग टू अरेंज, आई हैव ऑलरेडी टेकन आउट द बेडशीट एंड कुशन कवर्स एंड दिस इज़ हाउ संडे एवरीथिंग हैज़ टू बी डन, दीज थिंग्स आर जस्ट टेकन आउट एंड कैप्ट। तो ये सारा कुछ करना है अभी और करके अब आपको दिखाती हूँ। यहाँ से और ये जो आज निकला है जो अभी मशीन में जाएगा, all this, so this is how everything looks, so this work is done, so hmm.